अभी जो सपना अपना रिकॉर्डिंग सुनाइए, सूरज जी तो कब का इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, सूरज जी तो कब का ही मर चुके हैं, मगर सपना को ऐसा कौन सी मजबूरी आ गई है कि सपना अपने मरे हुए पति का भी अब बुराइयां करवा रही है सोशल मीडिया पे। इसकी सच्चाई अब आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सपना के सास ससुर पहले तो धर्मात्मा परमात्मा बन के लोगों के दिलों में राज किए कि पहले सब बाहबही मतलब लूटे कि पहला बेटा के मृत्यु के बाद सास ने अपनी ही बहू को अपने छोटे बेटे से शादी करवा दिया। कितने लोगों ने मतलब सराहना किया, कितने लोगों ने मतलब शाबाशियां दिया कि ऐसे भी इस दुनिया में सास ससुर होते हैं कि अपनी बहू को कितना अपने बेटी की तरह मतलब बना के रखा है, अपनी बेटी की तरह मान मर्याद करती है, अपनी बेटी से भी बढ़ के प्यार करती है। अगर सपना अपने सास ससुर के प्रति इससे पहले अगर कुछ बोलती भी थी एक दो शब्द, तो लोग सपना को ही विलन बना के रख देते थे कि सपना तुम्हारे सास ससुर भी अपना वो बेटा खोए हैं, जे तुम्हारे सिवा तुम्हारे सास ससुर का कोई नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए अपने सास ससुर का साथ दो और अपने सास ससुर को कभी छोड़ के मत जाओ। मगर कल की वीडियो में जब देखा गया तो रूह कांप गया। हम सिर्फ सुने हैं, इस सिर्फ सुन के हमारा रूह कांप गया, मगर जिसके साथ ये इस तरीके से जानवरों की तरह जो सुलूक किया जा रहा है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लोग अलग अलग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि सपना के पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, सपना के साथ ये फर्स्ट टाइम मार पिटाई नहीं हुई होगी। तो जब एक लड़की सहना हद से ज़्यादा हो जाता है ना, तभी इस तरीके का कदम उठाती है कि नहीं अब इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई भी लड़की के साथ अगर पहली बार मार पिटाई होता है ना, तो एक दो थप्पड़ तीन थप्पड़ से मतलब ख़त्म हो जाता है, मगर यहाँ पे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग 18 मिनट की रिकॉर्डिंग जो सपना ने लगाई है, आप खुद सोचिए कि 20 मिनट तक वो बच्ची जो है सपना जो है जानवरों की तरफ पिट रही थी, आवाज़ें लगा रही थी कि दादाजी बचाओ दादाजी बचाओ, मगर कोई भी नहीं आता है बचाने के लिए। ये है सपना के ससुराल वाले की काली सच्चाई। और बोलते हैं ना कि ये दुनिया जो है ना गोल है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, मगर पड़ती है ना तो उठने का हिम्मत नहीं होता है, एक आवाज़ निकालने का हिम्मत नहीं होता है। तो सपना के सास ससुर के साथ जो अभी भगवान ने जो दुखों का जो पहाड़ ढाया है ना, उसका जो है कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सपना के सास ससुर खुद हैं। और सूरज जी तो देखने में मतलब ऐसा मतलब लग रहे हैं कि क्या बोलूं, मतलब ऐसे इंसान को मतलब जीव ही लगाने में घिन आती है कि एक कम उम्र की बच्ची के साथ पहला नंबर शादी करना, एक गरीब घर से एक लड़की के लेके आ आना, उसके माँ बाप अगर कमज़ोर हैं चाहे गरीब हैं उसका गलत फ़ायदा उठाना। आज सपना का एक भी वीडियो नहीं आया है, कल सपना बोली थी कि हमारे साथ कुछ भी होता उसका जिम्मेदार हमारे सास ससुर होंगे, और सपना के साथ कुछ भी होता है उस ये जो वीडियो कल जो सपना डाली है इस बात की गवाही है कि अगर सपना के साथ एक खरोच भी सपना को आता है तो इसका जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही होंगे, सपना के ससुराल वाले ही होंगे। सपना इतना दिन से सपना के पास ये हिम्मत नहीं थी कि अपने ससुराल वाले को काली सच्चाई दिखाए, मगर ऑब्जर्व कर रहे हैं सपना के, मैं वीडियो देख रही हूँ जब से राजीव भाई का डेथ हुआ ना, इससे पहले ही देख कंटिन्यू में देख रही हूँ, और सपना को अच्छे से मैं पहचान चुकी हूँ कि उस लड़की के पास कोई भी लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, धन दौलत संपत्ति का कोई भी लालच नहीं है। और कल को ये ना बोले कि अंशु को इसका फ़ायदा उठा रही है अंशु का इस्तेमाल करके, तो अंशु को पहले से एक चैनल जो है दे दिया है, अगर अंशु इस पे चाहे तो वीडियो डाले या नहीं डाले, क्योंकि सेपरेट अंशु का एक चैनल है और सपना ने कल की वीडियो में वो भी बोल दिया है। इंस्टाग्राम अलग सेपरेट है, यूट्यूब अलग सेपरेट है, सब कुछ सेपरेट सेपरेट सपना ने अंशु को दे दिया, ताकि कल को ये भी ना बोले कि अंशु को इस्तेमाल कर रही है सपना।
और अभी तक सपना का कोई वीडियो नहीं आया, मगर अभी एक मैं वीडियो 10 मिनट पहले मैंने एक जेठानी का मैंने वीडियो देखा, सपना के जेठानी जी का एक वीडियो आया जिसमें आप फिर से एक चीखते चिल्लाते हुए एक वीडियो आया, मगर उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि सपना का आवाज़ नहीं है, किसी और का आवाज़ है। मगर क्या पता, जब कोई लड़की के साथ जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना तो चारों तरफ से होता है, तो आज सपना का कोई भी वीडियो नहीं आया, इस वजह से चिंता हो रहा है कि ना जाने सपना कौन सी कंडीशन में होगी। क्योंकि जब उस लड़की का पति जिंदा था तब उसके साथ लोग जानवरों की तरह सुलूक कर रहे थे, अब तो उस घर में वो बेचारी अकेले है और ना जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। और सपना जो है ये सारी बातें बोलने की हिम्मत अब जाके इसलिए जुटाई है क्योंकि लखन और नीतू दोनों मिलके मतलब सपना को आश्वासन और भरोसा दिया है कि बहन हम आपके साथ हैं। और कल की वीडियो में यहाँ तक कि लखन ने कमेंट भी किया कि बहन आ जाओ मेरे पास इस घर को छोड़ के, क्योंकि लखन एक दो बार जाके मिले हैं सपना से और ऑब्जर्व कर रहे थे। लखन उसी से दोस्ती करते हैं या उसी के घर पे आना जाना पसंद करते हैं जिसके घर में बहुत बड़ा कांड होने वाला हो या बहुत ज़्यादा दुखी है, उसी से वो मिलना पसंद करते हैं। तो लखन जो है ऑब्जर्व किए हैं उसके फैमिली वाले को, सपना के ससुराल वाले को, वो कैसे हैं, तभी वो कमेंट किए हैं कि बहन उस घर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। दोस्तों ये वीडियो बनाने का बहुत ही इम्पोर्टेंस रीजन है क्योंकि सपना का जो कल वीडियो आया था ना, रोम रोम सहला कर रख दिया था, एकदम पैरों तले जमीन खिसका दिया था कि एक लड़की के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने ससुराल वालों को सिर्फ बड़ाई ही कर रही थी, कभी भी इंसल्ट किसी को न करने दिया न खुद किया। और इसका जो है सिर्फ फ़ायदा उठाया गया कि एक गरीब घर से लड़की को लाया जाता है, उसके साथ जानवरों की तरह सुलूक किया जाता है। दोस्तों आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मगर ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सपना के साथ परिवार वाले का किसी का भी साथ नहीं है, क्योंकि सपना के ससुराल वाले अगर इंसान होते तो शायद सपना आज अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग ऑडियंस को सुनाना नहीं पड़ता, अपने सब्सक्राइबर को दिखाना नहीं पड़ता, वीडियो बना के डालना नहीं पड़ता, अपने ससुराल वालों की काली सच्चाई नहीं दिखाना पड़ता अगर ससुराल वाले इतने अच्छे होते। क्योंकि अब तो जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो इंसान का सपना अब रिकॉर्डिंग लगा के क्यों ऑडियंस को सुनाना चाह रही है, क्यों सुना रही है, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आया, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। क्योंकि सपना के साथ आज भी ससुराल में टॉर्चर किया जा रहा है, जानवरों की तरह सुलूक किया जा रहा है। जब सपना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, जब बर्दाश्त करने की क्षमता हद से ज़्यादा पार हो जाता है, तब जाके सपना जो है दो चार दिन, ज़्यादा ज़्यादा दो चार दिन अपने मायके में जाके ठहरती है। क्योंकि सपना के मायके वाले को भी सपना के ससुराल में ठहरने का कोई इजाज़त नहीं दिया जाता है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर सपना इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, महीने का इतना कमाती है कि सबका मुँह बंद करवा सकती है, वो लड़की खुद अपने पैरों पे खड़ी है, वो ये सारी मैटर में चुप है, अपनी ससुराल की बातें नहीं बता पा रही है, तो सपना आप लोगों को मोटिवेट करो ताकि अभी भी बहुत सारी लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा होती है, गरीब माँ बाप अपनी बेटियों को अपनी औकात से ज़्यादा मतलब सोच के शादी करवाते हैं कि हम भले नमक रोटी खा लें मगर हमारी बेटियाँ अपने ससुराल में सुखी से रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे कभी भी रोए ना, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। मगर बेटियाँ भी ससुराल का इज्जत रखते रखते, मायके वाले की इज्जत रखते रखते न जाने अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ससुराल में इतनी बेटियों के साथ प्रताड़ित किया जाता है, घरेलू हिंसा किया जाता है कि वो बच्ची जो है अपने मायके वाले के साथ भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसलिए सभी माता पिता से एक ही विनती है कि अगर आपकी बेटी कोई दुख तकलीफ में हो तो इससे मुंह ना मोड़े, उसको अपने खुशी खुशी अपने घर बुलाएं और आश्वासन दें कि बच्चा हम आपके साथ हैं। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और दोस्तों, मैं सपना को बस यही बोल सकती हूँ कि सपना, आप उसी घर में रह के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये आपका हक है, आपका सास ससुर का हक है इस घर पे, उतना ही आपका भी हक है इस घर में। तो अब आपने अगर ठान लिया है कि काली सच्चाइयों से पर्दा उठाना है, तो हम आपके साथ हैं और पहले भी थे और अब भी रहेंगे। और कभी हिम्मत मत हारना सपना, अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए इस लड़ाई का लास्ट तक जरूर लड़ना।